नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का जोर लगातार जारी है। इसी कड़ी में लोजपा के भी सभी कैंडिडेट अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए लोगों के बीच जाकर जनसभा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में मधेपुरा के लोजपा प्रत्याशी साकार यादव ने भी जनसभा की है। इस जनसभा में उन्हें सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। आप अगर जनसभा की तस्वीर देखेंगे तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साकार यादव की लोकप्रियता कितना लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। हम तस्वीरें भी आपको उनकी जनसभा के दिखा रहे हैं। रास बिहारी हाई स्कूल में जनसभा आयोजित की गई थी, जहां पर कई सारे उनके समर्थक, कई सारे उन्हें सुनने वाले लोग मौजूद थे और वहां पर मधेपुरा के लोजपा प्रत्याशी साकार यादव ने जनता से कई सारे वादे किए और जनता को ये बताने की कोशिश की कि लोजपा में ही उनका भविष्य है। सबसे पहले आप सुनिए साकार यादव क्या कुछ कह रहे हैं। और मेरा भी कि ये लोग सब राजनीति कर रहे हैं किसानों पर राज करने के लिए, और हम लोग राजनीति कर रहे हैं क्योंकि किसानों पर हम लोग नाश कर सके कि ये देखो मेरे किसान है, ये देखो कितनी सुंदर गाड़ी है, ये देखो कितना सुंदर स्कूल में जाता है, और युवा किसान को ये देखो कितना सुंदर घड़ी पहना है, कितना सुंदर जूता पहना है, कितना सुंदर मोबाइल फोन है जो किसी से भीख मांग के नहीं दे, अपने आमदनी से खरीदे। अब एक ऐसा हम कृषि परिवर्तन दिखना चाहते हैं। देखिए आजादी के बाद ये लोग इतने दल में इतने जात में ये लोग बांट दिए हैं कि अब बिहार में सिर्फ एक ही जात बच गया है, वो है गरीबी और बेरोजगारी को मिला दीजिए, एक ही जात है वो मुस्लिम हिंदू में जितने सब मिला के एक ही जात, ये लोग पिछले 15 साल में ये लोग एक ही जात छोड़ दिए हैं, बेरोजगारी का और गरीबी का जात छोड़ दिए हैं और कुछ नहीं छोड़े हैं, यहाँ एक चीज नहीं किया है। देखिए आजादी के समय नारा था, मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान। बताता हूँ यहाँ के प्रशासन पर दबाव देके जबरदस्ती FIR कराया गया है। ये मेरा यहाँ प्रशासन से बात हुआ और मुझे हम लोगों ने उनसे पूछा कि हम लोग की क्या गलती थी, बोले कि 50वां फोन कॉल आए थे, 50वां फोन कॉल और कुछ कॉल पटना से भी आए कि आप यह केस दर्ज कीजिए। वो वहाँ नाली में खड़ के सवाल क्यों कर रहा था, वहाँ पे हम लोग कोई सवाल नहीं कर रहे थे, वहाँ पत्रकार पंडू को दिखा रहे थे। यहाँ की असलियत, यहाँ की नाली, इस बार का चुनावी मुद्दा यहाँ पर नाली है। क्या नाली है यहाँ पर? अनजानों को ताज पहनाता, धरती माँ की प्यास बुझाकर सोने सा गेहूं धान उगाता, कठिनाइयों पर चलता चल भूख का पानी घूट घूट कर पी जाता, धरती माँ का प्यारा बेटा देखो वो किसान कहलाता। हरियाली जिसने है बनाई, खुशहाली उस पे नहीं आई, उम्मीदों का चादर ओढ़े उसने सारी ख्वाहिशें हैं दबाए। और चलिए बात ही बात लिखते हैं कि क्या बाबा सिंहेश्वर की बहुत क्या बाबा। तो सुना आपने, साकार यादव यहाँ से एक आह्वान कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि लोजपा ही उनके लिए नया विकल्प हो सकती है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बता रखा है और आप भी न्यूज़ पर ये देख पा रहे होंगे कि लोजपा का इस बार का अभियान यही है कि नीतीश कुमार को जीतने नहीं देना है, नीतीश कुमार को वापस सत्ता में नहीं आने देना है। लोजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 10 नवंबर के बाद जो रिजल्ट सामने आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे और LJP BJP की गवर्नमेंट बिहार में बनने जा रही है, जिसको लेकर लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान भी हर रोज अलग अलग तरीके से नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं और लोगों से लोजपा को वोट करने की अपील करते हैं। इसी कड़ी में लोजपा के जितने भी प्रत्याशी हैं वो भी अपनी जीत सुनिश्चित कराने के लिए लोगों से ये अपील करते दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, और अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें Twitter पर फॉलो करना मत भूलिएगा।